राउटिंग। सो राउटिंग में जैसे कि हम लोगों को बेसिक तो पता ही है, राउटिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों करते हैं राउटिंग का यूज़ पता है? हाँ सर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर करने के लिए और करेक्ट, राउटिंग क्या शेयर करना है? नेटवर्क्स, ठीक है, राउट। नेटवर्क, हाँ सो राउटिंग व्हाट इज द टेबल जो यूज़, भी है। यस व्हाट इज द यूज़ ऑफ राउटिंग? राउटिंग का यूज़ इसलिए होता है ताकि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल नेटवर्क्स दे सकते हैं। तो दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना, नेटवर्क शेयर करना, एक दूसरे को पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग राउटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन अनदर लैंग्वेज, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों ने जैसे कि देखा है, स्टैटिक छोड़ो, सबसे पहले राउटिंग के बारे में बात करते हैं। राउटिंग जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है IGP और दूसरा होता है EGP। IGP स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, EGP स्टैंड फॉर द एक्सटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। हम लोगों ने जो CCNA के अंदर पढ़ा है, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, वो है स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनामिक, राइट। डायनामिक के अंदर आता है रिपर्जोन, जो कि है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, रिपर्जन टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, EIRP हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि OSP। सो अभी हम लोग सबसे पहले बात करने वाले स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से एनेबल किया जाता है और क्यों किया जाता है? ओके, कुछ बता सकते हो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, आपको क्या क्या हाँ पता है? सर, यस मैन्युअली एडिंग राउटिंग टेबल। ओके राइट। हाँ सर, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? जो हमारा एडमिन होता है, एडमिन मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जैसे कि हम लोग कॉलेज का एडमिन की बात नहीं करें जो स्लिप वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे एडमिन की बात होती है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, हमेशा वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। जो फायरवॉल नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, उसके ऊपर राउट्स डालते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये मैन्युअली कॉन्फिगर करता है बेस्ड आउट इन टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे कि जस्ट कंसिडर एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ए लोकेशन पे बैठे हो, मैं बी लोकेशन पे बैठा हूँ, ठीक है। सो अभी आप तो वर्धा में हो और मैं यहाँ पे हूँ नागपुर लोकेशन पे, ठीक है। सो नाउ वर्धा टू नागपुर, मतलब ए टू बी लोकेशन के लिए जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है। आप किस किस से आ सकते हो? आप बाइक से आ सकते हो, करेक्ट। आप साइकिल से भी आ सकते हो, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, हमारे इधर तो फ्लाइट नहीं चलता है, कोई नहीं, इन फ्यूचर आ सकता है, ठीक है। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहेगा? बाइक। बाइक सुटेबल ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपके लिए ना तो ट्रेन का टिकट लेने की झंझट, ना तो वेट करने की झंझट, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बाइक सुटेबल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सेम एज नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर भी हमारे पास जो राउटर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर राउट चूज करने के लिए ऑटोमेटिक तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है? मैं मैन्युअली कॉन्फ़िगर करूँगा। नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ए बी सी डी एंड ई, इस तरीके से मेरे पास, करेक्ट, पांच राउट है। जस्ट कंसिडर ए पर्सन को बी पर्सन के पास जाना है, ठीक है। ए टू बी जाने के लिए इसके पास दो पाथ है, एक पाथ है ए बी सी, ठीक है, सेकंड पाथ है ए डी ई सी, ओके। मतलब ये ऊपर वाला पाथ और ये नीचे वाला पाथ, राइट। हेलो हेलो सर्वेश, आर यू देयर? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? सर्वेश, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज हेलो, सर्वेश, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही बोला आपकी। ओके, मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ देख सर, सकते हैं, ए लोकेशन से बी लोकेशन के पास जाने के लिए मेरे पास दो पाते हैं, एक ऊपर वाला पाते, एक नीचे वाला पाते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं राउटर को बोलता हूँ तो खुद ही फाइट पाथ फाइंड कर ले, ठीक है। तो राउटर क्या फाइंड करेगा? शॉर्टेस्ट वाला पाथ, बिकॉज दैट्स अ बिहेवियर ऑफ राउटर। बट अगर हम लोग स्टैटिकली कॉन्फिगर करते, तो मुझे ये वाले पास से भेजना है, तो मैं ये वाला पास से भेज सकता हूँ, पॉसिबल, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर का काम है मैन्युअली कॉन्फिगर करने का। जब भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर करते हैं, तो उसके अंदर हमें तीन चीज़ दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द डेस्टिनेशन,
डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, अगर जब तक हमें डेस्टिनेशन पता नहीं रहेगा हम लोग जाएंगे नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको वर्धा से बाइक लेके निकलना है, लेकिन आपको पता ही नहीं मैं नागपुर में बैठा हूँ मुंबई में बैठा हूँ, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, राइट? तो ये सबसे बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, सबनेट, नॉट सबनेट, वी कैन नॉट से सबनेट, नेक्स्ट हॉप, ठीक है, नेक्स्ट हॉप बोल सकते हैं, या तो फिर एग्जिट इंटरफेस भी बोल सकते हैं। एग्जिट इंटरफेस मतलब बाहर जाने का रास्ता, जैसे कि अभी यहाँ से ए से ई पर्सन के पास जाना है तो उसको इसी के पास जाना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से नहीं जाएगा। मतलब लाइक जैसे कि आपको आपको वर्धा से नागपुर की साइड में आना है तो आपको नागपुर वाला ही हाईवे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? आप उधर जलगांव वाला हाईवे तो नहीं पकड़ सकते, अगर वो वाला पकड़ा तो आपका ट्रैफिक मेरे पास नहीं आएगा, राइट? तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करता हूँ। जब भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करते हैं तो हम लोग बहुत सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। सो वो फार्मूला क्या है, किस तरीके से, वो हम लोग देखते हैं। आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी डेस्टिनेशन सबनेट मास्क ओके एंड द गेटवे और नेक्स्ट हॉप, यही होता है, राइट? तो अभी हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करके देखेंगे प्रैक्टिकल, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल करके सकते हैं, कर सकते हैं। सो हम लोग ये प्रैक्टिकल करने वाले हमारे GNS3 के ऊपर, नॉट ऑन द पैकेट बेस। अभी हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड हो गए, अपग्रेड होने के लिए GNS3 या तो UNL EVE का यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत लाइक दोनों पे कर सकते हो, लेकिन मैं EVE का यूज़ करने वाला हूँ। R2 and R3, ठीक है, तीनों को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अभी जैसे कि आप पैकेट ट्रेसर का यूज़ करते थे, तो पैकेट ट्रेसर में आप स्विच लेते थे, नीचे में कुछ यूजर्स क्रिएट करते थे और स्विच को राउटर से कनेक्ट करते थे, राइट? इस तरीके से पैकेट ट्रेसर में करते थे, राइट? हेलो सर्विस, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो अभी ये सिचुएशन में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इंस्टेड ऑफ ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाने से हम लोग लूपबैक का यूज करेंगे। लूपबैक इटसेल्फ पर नेटवर्क, तो हम लोग जस्ट कंसिडर यहाँ पे 1.1.1.2 देते थे, तो हम लोग यहाँ पे लूपबैक को आईपी दे देंगे 1.1.1.1, ये इंटरफेस को आईपी दे देंगे 192.168.12.1 and 12.2, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस स्कीमा यूज़ करेंगे, जिसके बारे में मैंने इसके पहले शायद बताया नहीं होगा, लेकिन मैं हम लोग आज के सेशन में इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ पे कुछ पूछना है आपको, कुछ पूछना है यहाँ पे सर? हाँ, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस मतलब कौन से सर? ओके, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस स्कीमा क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जस्ट कंसिडर करो मेरे पास तीन राउटर है, ठीक है? हम लोग ये आईपी एड्रेस स्कीमा इसलिए यूज करें ताकि हमारे पास आने वाले प्रैक्टिकल सभी के सभी हम लोग आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस स्कीमा हम लोग हमेशा यूज करेंगे ताकि हमें आईपी एड्रेस देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से राउटर पे। जनरली क्या होता है, अगर मैं हर टोपोलॉजी के अलग अलग आईपी एड्रेस स्कीमा यूज करूंगा तो कभी कभी ऐसा होता नहीं यार, ये वाला आईपी एड्रेस कहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला, पर 10 बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे कि आईपी एड्रेस कहाँ पे। तो इसलिए मैं उसको स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस स्कीमा बोलता हूँ, ठीक है? सो दिस इज माय राउटर 1, इसको मैं 1 कहलाऊंगा, इसको 2, इसको 3, करेक्ट? सो अभी मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ वो है 192.168.xx.xx, तो ये तो कॉमन रहेगा हमारा, गॉट इट? जो xx.xx है यही चेंज होने वाला है, ठीक है? अभी ये xx की वैल्यू क्या रहेगी और इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में 192.168.router1 and 2, इसलिए 12, ठीक है? ये राउटर 1 है इसलिए डॉट 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डॉट 2 आएगा, गॉट इट? हाँ सर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 192.168.12 राउटर 2 3 23 डॉट, ये राउटर 2 है इसलिए डॉट 2 आएगा, इधर डॉट 3 आएगा, गॉट इट? कोई डाउट नहीं सर। ओके, तो यही हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैं जो एक और एक चीज बताता हूँ, जैसे कि राउटर 1 है, राउटर के 1 के ऊपर कितने भी इंटरफेस आए वो डॉट 1 ही आईपी एड्रेस रहेगा,
राउटर टू के ऊपर कितने भी इंटरफेस है वो डॉट टू ही रहेगा। मतलब अगर किसी ने पूछा आपको कि बताओ 172.16.1.3 आई पी कौन से राउटर पे, तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा ये थ्री राउटर थ्री पे ही मिलेगा, करेक्ट इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्डाइज आई पी एड्रेस स्कीमा हम लोग यूज करने वाले। इसके पहले कभी आपने जी एन एस थ्री का वगैरह यूज किया है इसके पहले नहीं कभी क्लास में? ठीक है, नहीं राइट, मैं जी एन एस थ्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है वो, ठीक है। उसके अंदर iOS किस तरीके से डाला जाता है ये भी दिखाऊंगा। अगर आपको जब रियल इंस्टॉलेशन करोगे अपने लैपटॉप के अंदर, अगर नहीं होता है आप मुझे रिमोट दो, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते वहां पे, मैं लेके चलता हूँ आपको। मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है लैपटॉप का? हाँ जी, हाँ सर। देखो जी एन एस थ्री सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने एक लिंक शेयर किया था आपके साथ, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए खाली एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ना तो वहाँ पे कोई चार्जेस पूछा जाएगा ना तो डोनेशन पूछा जाएगा, तो आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कनेक्टिंग टू द सर्वर लोकल होस्ट ऑन पोर्ट नंबर 3080, ये ऑटोमेटिक विंडो आता है आपकी, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सर्वर समरी दिख रहा है, राइट। हाँ सर, तो सर्वर समरी के अंदर ये जो दिख रहा है ऑप्शन आपको लैपटॉप वाला, अभी फिलहाल तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं ऑन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसे ऑन हुआ जबकि भी जी एन एस सी ऑन होना चाहिए। एनीवेज जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको लैपटॉप, करेक्ट, तो ये आना चाहिए बिकॉज दिस इज माई लोकल, राइट। तो लोकल आना चाहिए और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि CCNP1 डाल देता हूँ मैं प्रोजेक्ट का नाम, आज आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, ऐसा ज़रूरत नहीं। CCNP वी कैन से एज अ स्टैटिक राउटिंग, इस तरीके से आप डाल सकते हो, कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करके आप ओके भी कर सकते हो, जैसे कि मेरा सी वाला पाथ है जो डिफॉल्ट पाथ है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ना यहाँ से मुझे इसका सेटिंग में हटा देता हूँ बिकॉज इसका सेटिंग की मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। रेफरेंस यहाँ पे जी एन एस सी वी एम है, इसको डिसेबल करता हूँ बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं डिसेबल कर दिया हूँ। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पास कोई भी राउटर नहीं दिख रहे, कुछ स्विचेस हैं जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ नेट क्लाउड पीसीज वगैरह जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अभी फ़िलहाल तो इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। ये VPC लिखा है बट एक्चुअली में ये नॉर्मल PC ही है, सो डोंट बी कन्फ्यूज। हाँ सर, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे कुछ डिवाइसेस दिख रहे हैं, ATM स्विच, क्लाउड, इथरनेट हब, मतलब ये जितने भी ऊपर के डिवाइसेस हैं ना ये सभी मिला के यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ऐड अ लिंक। ऐड अ लिंक मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लोग लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके गॉट इट, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके ऊपर के ऑप्शन बता देता हूँ, फाइल, फाइल में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नया प्रोजेक्ट, ब्लैंक प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन से आप यहाँ से सेव कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नया वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पॉसिबल है। एक मिनट, मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ फिर से। उसके बाद अगर आप एडिट में जाते हो तो एडिट में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो मुझे लगता है वो है प्रेफरेंस। बिकॉज प्रेफरेंस के अंदर हम लोग राउटर का OS, iOS होता है राउटर के अंदर, जिसको इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है जो आज के सेशन में मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। सो हेलो, हाँ सर, सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस में जाओ, प्रेफरेंस के जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डायनामिक्स iOS राउटर्स, अभी देखो ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी iOS नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ साइट्स है जो कि मेरे पास कुछ iOS पड़ी हुई है, मैं आपको गूगल ड्राइव में या कहीं से शेयर कर दूंगा, सो आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं अभी दिखाई रहा हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है,
यहाँ पे जाना है रन दिस iOS राउटर ऑन माय लोकल कंप्यूटर बिकॉज मैं GNS3 VM को नहीं चला रहा हूँ, VM के ऊपर नहीं चला रहा हूँ, मैं लोकल सिस्टम के ऊपर चला रहा हूँ, इसलिए लोकल सिस्टम, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, न्यू इमेज, ब्राउज करो। अभी ये मेरे पास ऑलरेडी iOS है इसलिए उसने वहीं पे रिडायरेक्ट किया, अदरवाइज जहाँ पे हम लोगों ने स्टोर किया वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉट बिन वाला फॉर्मेट देखना है, तो यहाँ पे 7200 ये हाईएस्ट वाला राउटर है यहाँ पे, इसलिए मैं डॉट बिन फॉर्मेट ये लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा आगे ऑटोमेटिक डॉट बिन फॉर्मेट में रहता है हमेशा OS, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद नेम तो वही रखो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चेसिस में आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन का मेन्यू नहीं आ रहा है, एनीवेज इसके बाद आएगा आई गेस, ये सेम है डिफ़ॉल्ट 5 2 5 1 2, इसको वैसे रहने दो। नेक्स्ट करो, यहाँ पे आप स्लॉट डाल सकते हो, सो हम लोग एक -40+ ये वाला स्लॉट डाल देते हैं इनकेस कभी लगता है, 10 बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे जैसे हम लोग पैकेट डेसिमल डालते हैं, वैसा नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आइडल पीसी ये रहने दो, ब्लैंक ही छोड़ो, फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे में ऑप्शन आता है अप्लाई का, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है बिकॉज अप्लाई करने के बाद ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओके करो, अभी ओके करने के बाद यहाँ पे राउटर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक राउटर देखने को मिल रहा है, हाँ इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। मुझे 3 राउटर चाहिए, मैं 3 राउटर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये राउटर का सिंबल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मुझे चेंज करना है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज सिंबल, राइट, इसके अंदर मुझे चाहिए सर्कल ग्रे कलर में, तो मैं उसको भी चूज़ कर सकता हूँ, ये कभी कभी आता है ऐसा, तो हमें वेट करना है सर्कल ग्रे, जैसे कि ग्रे नहीं हम लोग ब्लू कलर लेते हैं वो सही रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे अगर आप राउटर भी डालते हो ना तो आपको देखने को मिल जाएगा राउटर, ठीक है। किसी किसी को थोड़े कलर्स अच्छे लगते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि कलर्स को, हालांकि ये और वो सेम ही है, कोई कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 5th 6th नंबर का ऑप्शन है, 6th नंबर के ऑप्शन में ऐड अ लिंक, इसके ऊपर क्लिक करो, serial 1/0 to serial 1/0 आप इस तरीके से भी ले सकते हो। If you don't want to take that one, so you can do another things. Like मैं यहाँ पे 5.0/0 से इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या तो मुझे लगता है serial 1/0 से कंटिन्यू करना है तो मैं उस तक को इस तरीके से भी कर सकता हूँ, पॉसिबल। ओके, अभी यहाँ पे इंटरफेस का नाम नहीं आ रहा है, तो नाम नहीं आएगा तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आएगा, सो मैं सोचता हूँ कि इंटरफेस का नाम आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ सिम्बॉल चेंज कर लेता हूँ, वो 2 का सिम्बॉल अलग अच्छा नहीं लग रहा है। सर पहले का ही सिंबल सेम कर दो ना। अच्छा पहले का ही सिंबल कर दो, वो सही रहेगा हमारे लिए। ओके, अभी यहाँ पे इंटरफेस का नाम नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में एक ऑप्शन दिखता है ABC करके लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट भी कर सकते हो। अभी डिवाइसेस के इंटरफेस को ऑन करना, इंटरफेस को ऑन नहीं करना एक्चुअली, वो डिवाइसेस को ही ऑन करना होता है। तो हमें यहाँ पे प्ले का बटन दिखता है, या तो हम लोग प्ले बटन का यूज़ करेंगे या तो राइट क्लिक करके भी हमें प्ले का बटन मिलता है जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये स्टार्ट कर देता हूँ डिवाइसेस को। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं सभी डिवाइसेस एकदम स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए उसने पॉपअप मैसेज पूछा, यस करता हूँ, देखो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा उसके इंटरफेस के बारे में मुझे पता चल जाता है, देखो ठीक है, हालांकि डिवाइसेस ऑन हो गया। इसको राइट क्लिक करके आप कंसोल भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंसोल, दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, आप कस्टम कंसोल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल कंसोल के ऊपर क्लिक किया है। सो लेट्स सी ये ओपन होता है कि नहीं होता है। थोड़ा टाइम वेट करते हैं, ठीक है हो रहा है मेरा, ठीक है हो रहा है। हाँ ओके,
सेम थिंग, मैं सेकंड राउटर ओपन कर लेता हूँ कंसोल, यहीं पे ओपन हो जाएगा वो, यहाँ पे सेकंड जो टैब है उसमें ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया राइट। ठीक है, यहाँ ओके पे थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको भी कंसोल, थर्ड वाला राउटर जिसको भी कंसोल कर दो, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कस्टम ओपन करना है, मतलब लाइक पुट्टी वगैरह सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, तो आप कस्टम तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले सेटिंग करना पड़ेगा। राइट क्लिक जाके यहाँ पे सेटिंग करके ऑप्शन आता है कस्टम कंसोल। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे अभी मुझे आईपी एड्रेस स्कीमा सबसे पहले लिख लेना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका आईपी एड्रेस मुझे देना है 192.168.12.1। वॉट इट, क्यू 12.1 दिया राइट, हाँ, फर्स्ट राउटर सेकंड राउटर 12.2 23.2 करेक्ट। थ्री डॉट थ्री ओके फाइन डन। हाँ सर ओके, तो आप इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जरूरत नहीं है ऐसे। मैं हमेशा से बोलता हूँ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते, ये कलर ड्राइंग बनाना था ये तो हम लोग बचपन में करते थे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं यूज़र पीसी एंड स्विचेस का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे काम आसान करना है। जितना बड़ा टोपोलॉजी मेरा आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा कॉन्फिगर करने के लिए राइट। तो मैं यहाँ पे और इसको आसान बना रहा हूँ, आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ वो भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने से छोटा बड़ा होता है, तो हम लोग इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। सो नाउ मैं राउटर वन के ऊपर एक लुप बैक यूज़ करने वाला हूँ। लुप बैक क्या होता है पता है, बैक सुना है कभी? कोई सर नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, लुप बैक ना ये एक इंटरफेस है, लाइक मतलब ये फिजिकल नहीं लॉजिकल है, हम लोग सोच सकते हैं कि ये इंटरफेस है। जैसे कि अगर मैं एक यूज़र पीसी कनेक्ट करूँ स्विच के साथ, तो एक बड़ा टोपोलॉजी देगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि लुप बैक के थ्रू ही कनेक्ट कर दूँ, मतलब कि लुप बैक क्रिएट कर लूँ। लुप बैक इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन पर मतलब ये एक अलग से नेटवर्क ही है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जो कि /32 का मैं कॉन्फिगर कर रहा हूँ तीनों साइड पे। हाँ गॉट इट, सर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ, ताकि हमें कॉन्फ़िगर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कर देता हूँ, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले राउटर वन को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो आप याद रखना ऊपर के साइड में दिखता है राउटर 1 2 3 4 करेक्ट, तो उसी के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो राउटर्स होते हैं, जो हम लोग सिस्को के ऊपर राउटर के ऊपर काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज मोड में ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शो वर्जन करके चेक कर लो, शो वर्जन चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये 12.2 वर्जन का है, एज वेल एज यहाँ पे इसके कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलती है कि कौन कौन से स्लॉट्स है, एंड सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, शो इन्वेंटरी कमांड भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर एंड चैसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, सीरियल नंबर भी पता चल जाता है। ठीक है, एज वेल एज जो सिस्को का मॉडल नंबर है 7260, 7260 से इसके बारे में भी पता चल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फिगर करते कैसे करते हैं इंटरफेस पता है? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैं फास्ट इतने 0/0 कॉन्फिगर करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 IP एड्रेस 192.168.12.1 2552552550, बिकॉज /24 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लुप बैक ने मैं एक नया लुप बैक क्रिएट करने वाला हूँ, तो इंटरफेस लुप बैक 0, आप लुप बैक कितना भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1.1.1.1 2552552550, मैं /32 कॉन्फिगर करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, बिकॉज इसको ऐसे ही मत छोड़ना। गॉट इट, हाँ सर ठीक है। अभी तुम्हारा बेस क्लियर है सीसीएनए का, इसलिए मैं आगे में मूव हो रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 32 क्यों दिया, 24 क्यों दे रहे, कैसे कॉन्फ़िगर करें, नहीं समझ, बिंदास पूछो। ठीक है, अभी आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कमांड है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। ठीक है,
अभी यहाँ पे ना मैं एक चीज और एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनअसाइंड, इसका मतलब क्या, अभी तो असाइन नहीं हुआ, आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये असाइंड वाले मतलब इसको हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन किया, मुझे लगता है कि मुझे ओनली असाइन वाले आईपी एड्रेस दिखने चाहिए, अनअसाइन वाले नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो कैसे देखने का, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चला है इसके पहले आपने, यहाँ पे डालो पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड, इतना भी डालने से हो जाता है अनअसाइंड, एंटर। देखो दो ही इंटरफेस दिख रहे हैं जहाँ पे आईपी एड्रेस असाइंड है, करेक्ट। तो यहाँ पे ना अगर हम लोग पैकेट ट्रेसर के बाद में जीएनएसटी के ऊपर यूज करते हैं तो कुछ ऐसी कमांड्स है जो यहाँ पे चला के हम लोग और अच्छी तरीके से आउटपुट देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग राउटर टू, अभी राउटर टू के ऊपर मुझे बताओ क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, कैसे करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। इंटरफेस F0/0 पे जाके आईपी एड्रेस डालो, विच वन, आईपी एड 192.168.12.2 करेक्ट, सबनेट मास्क, राइट, नो शटडाउन, इंपॉर्टेंट खबर, उसके बाद इंटरफेस S1/0 पे जाओ पहले, बाद में उसपे भी आईपी एड्रेस डालो, आईपी एड 192.168.23.2 नो शटडाउन एंटर करके, मतलब सबनेट मास्क डाल के नो शटडाउन, राइट। और लूपबैक डालना है ना इधर, राइट, डालना है लूपबैक 0 आईपी ऐड और 222.2.2.4 222 सर वो, ठीक है। ओके, आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कमांड शो आईपी इंटरफेस पाइप एक्सक्लूड अनअसाइंड, डन। सेम थिंग वी हैव टू डू इट ऑन राउटर 3, व्हाट इज दैट टेल मी, इंटरफेस कौन सा S1/0 आईपैड सर, क्या नहीं नहीं हो गया, तो शटडाउन एंटर करके बराबर है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ आपने वो सब कुछ कर दिया, मैं बता ही रहा हूँ आपने, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितना मेरा प्रैक्टिस है उतना तो भी आना ही चाहिए आने वाले समय में, ठीक है। नाउ द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलता है कि आपको सब चीज़ें मैन्युअली कॉन्फिगर करना है, जो कि अभी हम लोग करने वाले, राइट। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करने का फार्मूला, तो क्या फार्मूला है, आईपी राउट राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, ओके, डेस्टिनेशन नेटवर्क सबनेट मास्क, करेक्ट, गेटवे या तो फिर नेक्स्ट और बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जूम आउट। सो नाउ राउटर वन के पास, अभी यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क है मेरे पास, तो सबसे पहले हम लोग वो चीज़ नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ टोटल नेटवर्क कितने हैं हमारे पास, मतलब यहाँ पे तो एक दो तीन दो ही हो गए, नहीं टोटल नेटवर्क्स बताओ मुझे, अभी सोच समझो समझ के बताओ, तीन नेटवर्क है सर, कौन कौन से तीन नेटवर्क है बताओ सर, R1 192.168.12.0 का, 12.0 चलो ठीक है, और नेक्स्ट 23.0 का, 23.0 और सर यही अभी तक तो यही है सर, लुकबैक, लुकबैक भी तो एक नेटवर्क है ना, हाँ लेकिन यहाँ पे मैं स्विच कनेक्ट करूंगा, पीसी कनेक्ट करूंगा, वो एक बड़ा टोपोलॉजी हो जाएगा, फिर वो थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इतना ही समझो स्विच के साथ नीचे में यूजर पीसी कनेक्ट है और यूजर पीसी को हम लोगों ने 1.1.1.1 आईपी एड्रेस दिया है, राउटर 2 के साथ एक स्विच एंड यूजर पीसी कनेक्ट है, पीसी का आईपी एड्रेस 2.2.2.2 है, मतलब वो एक पूरा नेटवर्क बन गया, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 नेटवर्क हो गए सर, एग्जैक्टली 5 नेटवर्क है अभी हमारे पास, ठीक है। अभी हमेशा जब भी हम लोग कॉन्फिगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि
मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके लिए कॉन्फ़िगर करना है, दैट्स मीन द डेस्टिनेशन नेटवर्क, राइट? तो अभी मुझे R1 के ऊपर बताओ क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। R1 के ऊपर लूपबैक नेटवर्क के आंसर, मतलब 2.2.2.2, मतलब ये नेटवर्क है ना, टू करेक्ट, डॉट टू डॉट जीरो ये तो डॉट जीरो आईपी नेट एड्रेस दिया है, ये तो आईपी एड्रेस दिया है, अगर हम लोग उसको नेटवर्क में लिखेंगे तो 2.0.0.0, बिकॉज क्लास एक है इसलिए। गॉट इट तो ना? कोई डाउट ठीक। यहाँ पे? ठीक हाँ है, नहीं, सर ओके। सो R1 के बाद डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से अभी बताओ। R1 को कनेक्टेड है डायरेक्ट ये 2.0.0.0 वाला R1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से आर हैं? टू, मतलब 192.168.12.2। कनेक्ट, कनेक्टेड नेटवर्क्स, नेटवर्क बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है एंड सर। 1.0.0.0, दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, एक और दूसरा वाला 192। हाँ सर ठीक है। हाँ, मतलब करेक्ट, R1 के आजू बाजू के नेटवर्क, ठीक है समझ गया। कनेक्टेड बोलेंगे उसको, ठीक है। R2 के पास कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है, तीन सर। राइट? 12.0, 23.0 और वो टू करेक्ट, डॉट जीरो डॉट जीरो राइट। R3 के पास, तो 3.0.0.0 और 192.168.23.0। करेक्ट। तो अभी हमारे पास टोपोलॉजी में कितने टोटल नेटवर्क है, 5 नेटवर्क है, राइट? हाँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे R1 के पास 3 नेटवर्क मिसिंग है, R2 के पास 2 नेटवर्क मिसिंग है, एंड R3 के पास 1 नेटवर्क मिसिंग तीन है। नेटवर्क। हाँ सॉरी, 3 नेटवर्क मिसिंग है। इसका मतलब वो हमें स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कॉन्फिगर करना पड़ेगा, विच इज हाँ फॉर अस दिस नेटवर्क, नेटवर्क आर द डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, राइट? ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ मैं एक सर। काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में उतार लेता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने कंसोल के ऊपर। सो ये राउटर वन है, तो सबसे पहले राउटर वन के ऊपर कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बताओ। वैसे तो राउटर वन। जो तीन मिसिंग है मतलब उसमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन कौन सा करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोटपैड में लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले राउटर वन के ऊपर मिसिंग नेटवर्क कौन कौन से है बताओ। 192.168.23.0 करेक्ट, और और 2.0.0.0 और थ्री करेक्ट, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ये तीनों नेटवर्क हमारे पास मिसिंग नेटवर्क है। चलो तो अभी हम लोग सबसे पहले R1 के ऊपर ही फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग R2 के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 23.0, तो उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर बताओ किस तरीके से करोगे। हाँ और 23.0 ना। एक मिनट सर, तो डायग्राम देखो ना। थोड़ा छोटा कर लूँ? नहीं हो गया सर। ओके, 23.0 आईपी कॉन्फ़िगर राउट टर्मिनल, करेक्ट, आईपी राउट, 192.168.23.0 स्टेटस, करेक्ट, तो सबनेट मास्क 255.255.255.0 ओके। हाँ और नेक्स्ट, 192.168.12.2। ओके नेक्स्ट वन, आईपी सेम ही सर पूरा। नहीं बाद में वन आईपी राउट, कौन सा नेटवर्क करना है अभी? टू का नेटवर्क, ठीक हाँ 2.0.0.0। हाँ हाँ सबनेट मास्क 25.255.0.0.0 नेक्स्ट, और वही मतलब गेटवे वही रहेगा करेक्ट, डन, 192.168.12.2। नेक्स्ट थ्री का आईपी राउट नेटवर्क, 3.0.0.0.0 25.0 और नाउ गेटवे 192.168.12.2। करेक्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखना हमेशा, गेटवे मतलब खुद का दरवाजा छोड़ के नेक्स्ट वाला दरवाजा, सिंपल सी लैंग्वेज। शो IP राउट करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल गया, C स्टैंड फॉर द डायरेक्टली कनेक्टेड, S स्टैंड फॉर द स्टैटिक। स्टैटिक AD वैल्यू 1 होता है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मुझे ओनली शो IP राउट स्टैटिक चलाता हो तो मुझे स्टैटिक के राउट देखने को मिलेंगे, राइट? हाँ सर। जो IP राउट कनेक्टेड चला था ओनली कनेक्टेड राउट देखने को मिलेंगे, मतलब कनेक्ट, L स्टैंड फॉर द लोकल, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज अ लोकल IP एड्रेस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टैटिक राउट के थ्रू तीनों मिल गए, मतलब राउटर वन के पास
टोटल 5 नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास जो मैंने यहाँ पे बनाया इसका हो गया, तो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। डन, ये वाला भी हो गया तो हम लोग इसको भी डन लिखेंगे, ये वाला हो गया इसको भी डन लिखेंगे। सिंपल फंडा, ठीक है। ये मैं यूज़ करता था इनिशियल लेवल पे जब मैंने CCNP CCI स्टार्ट किया था तब, ठीक है। इसके बाद मिसिंग नेटवर्क कौन सा है? 1.2.1.3 मतलब 1.0.0.0 करेक्ट, एंड 3.0.0.0.0 नीचे वाले के लिए भी बता दो। 1.2.1.0.0.2.0.0 और 192.168.12.0 ओके करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले राउटर 2 के ऊपर कॉन्फिगर करते हैं, देन उसके बाद राउटर 1 के ऊपर जंप करेंगे। सो राउटर 2 के ऊपर वो आईपी राउट बताओ सबसे पहले। हां 1.0.0.0 और गेटवे मतलब सबनेट मास्क और गेटवे 192.168.12.1 करेक्ट। ओके नेक्स्ट आईपी राउट और 2 तो हो गया सर, 3 का होने का ना। यस 3.0.0.0.255.0.0.192.168.23.3 करेक्ट। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड आईपी राउट शो आईपी राउट, शो आईपी राउट प्रिविलेज मोड पे, ठीक है। शो आईपी राउट स्टैटिक, स्टैटिक से 2 राउट देखेंगे, शो आईपी राउट कनेक्टेड, कनेक्टेड से 3 राउट देखेंगे, 1 2 3, ठीक है। मतलब टोटल 5 राउट R2 के पास भी आ गए। अभी व्हाट अबाउट राउटर 3, राउटर 3 के लिए बताओ के पास 1 2 मतलब आईपी राउट 1.0.0.0 255.0.0.0 करेक्ट, बाद में 192.168.23.2 करेक्ट, आईपी राउट 2.0.0.0 सर सेम ही सर, सिर्फ गेटवे भी सेम रहेगा लेकिन सिर्फ 2 बदलेगा सेम बाकी राइट, ठीक है। उसके बाद 1.3.2 और कौन सा रहेगा सर? 1.12.0 हाँ 12.0 हाँ ठीक है 192.168.12.0 आई मतलब सबनेट मास्क और 192.168.23.2 ओके इसमें सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट किस तरीके से तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी शो आईपी राउट चेक करते हैं, अभी मुझे सभी के राउट्स मिल गए। शो आईपी राउट स्टैटिक, स्टैटिक करूंगा तो मुझे स्टैटिकली 3 डायरेक्टली कनेक्टेड, शो आईपी राउट कनेक्टेड करूंगा तो 2 दिख रहे, इसका मतलब तीनों राउटों के ऊपर मेरे पास 5-5 नेटवर्क यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा कॉन्फिगरेशन हो गया, इसका मतलब यहाँ तक मेरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। गॉट इट? एनी डाउट हियर? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? क्या सर यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं नहीं। ओके नाउ द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले राउटर 1 से, ठीक है। राउटर 1 से मैं क्या करता हूँ, 3.3.3.3 मतलब ये वाले नेटवर्क को पिन करता हूँ, बिकॉज इसके राउटिंग टेबल में तो है देखो करेक्ट। तो मैं लेट्स सी पिंग होता है कि नहीं, हो रहा है पिंग? हाँ सर, ट्रेस राउट करके चेक कर लो किस तरीके से ट्रैफिक जा रहा है। सबसे पहले 12.2 के पास गया, फिर 23.3 के पास गया, मतलब वो सिंगल ही पाते तो वैसे ही जाएगा, राइट? हाँ सर, ठीक है। शो आईपी राउट सब कुछ प्रॉपर है, समझ में आ गया इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अब यहाँ पे एक चीज मुझे चेक करना है, लुपबैक से ये लुपबैक कैसे पिंग होगा? अभी जब मैं नॉर्मल पिंग कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल पिंग, सॉरी ये टेस्ट आउट किया मैंने, ये पिंग कर रहा हूँ ना नॉर्मल, ये जाता है मेरा इंटरफेस के थ्रू, मतलब राउटर की इंटरफेस के थ्रू जो टूवर्स है गेटवे की तरफ। लेकिन मुझे लुपबैक के थ्रू पिंग करना है, जैसे कि हम लोग पैकेट के समय PC to PC पिंग करते थे, राइट? तो सेम चीज GNS में कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमांड है हमारे पास पिंग 3.3.3.3 सोर्स लुपबैक। ये लुपबैक का कौन सा नंबर है, कौन से नंबर का लुपबैक है? ये 1 लुपबैक 0, 1 नहीं लिया हम लोगों ने, लुपबैक 0 लिया, ये देखो। हाँ, लुपबैक 0 यहाँ पे मैं लिखता हूँ लुपबैक या तो LO 0 हो रहा है पिंग। अब ये देखो ये सोर्स एड्रेस से गया, मतलब लुपबैक 0 से गया। अगर नॉर्मल पिंग करता हूँ तो नहीं दिखता है, लेकिन इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ इन केस मेरा लुपबैक 0 डाउन है,
जस्ट कंसिडर इंटरफेस, वो भी एक इंटरफेस ही है, लूप बैक जीरो डाउन शट डाउन, डाउन कर दिया, अभी मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ लूप बैक जीरो से, क्या बोलता है इंटरफेस है ही नहीं, मतलब वो डाउन है तो तुम वहाँ से कैसे पिंग करोगे, ठीक है। तो इसको फिर से मैं अप कर देता हूँ, इंटरफेस लूप बैक जीरो नो शट डाउन, अभी फिर से पिंग करता हूँ, देखो जा रहा है, हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अभी मुझे लगता है मुझे 100 पैकेट भेजना है, तो मैं यहाँ पे रिपीट 100 लिखता हूँ तो 100 पैकेट भेज देगा वो, कंट्रोल सी करूँगा तो बीच में ब्रेक भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी 6, ठीक है, हाँ सर गॉट इट। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिग, दैट्स द नॉर्मल नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग। अभी हम लोग करते फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग, जैसे कि मैंने बताया था। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक राउटर का ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक नया राउटर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, हाँ सर 1/0 से 1/0 यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं, सॉरी स्लाइड इस साइड कनेक्ट कर देता हूँ 1/1 से लेके 1/1, ठीक है, आप हाँ अपने सर अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको केयरफुली करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाले धीरे धीरे, तो थोड़ा यहाँ पे सोच समझ कर केयरफुली करो। हाँ नाउ यहाँ पे मेरे पास राउटर 4 है, इसको आईपी एड्रेस क्या आएगा बताओ, क्या वन सर नाइनटी टू डॉट 160.14.1, ये आई पी एड्रेस आएगा ना, हाँ स्कीमा यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, अभी 14 एंड 41 है, तो 14 छोटा है तो इसलिए मैं 14 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ इस राउटर सेट वन क्या आएगा, फोर 14.4 करेक्ट, ओके। इस साइड में 3.4.4 और 3.4.3 ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईपी एड्रेसिंग स्कीमा लिख आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे बताना है कि स्टैटिक राउटिंग किस तरीके से कॉन्फ़िगर करोगे आप यहाँ पे, यहाँ पे पूरा गेम चेंज होने वाला है अभी, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ने वाला है। तब तक मैं बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ राउटर वन के ऊपर, और जो भी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना वो कल मुझे आप भेजना, या तो हाँ रात में जब सर भी आपको टाइम मिलेगा, हाँ डेली सर बेसिस पे जितना मैं कर रहा हूँ उतना आपको करना है, नए से करना है, ऐसा नहीं कि सेव करके वही कॉपी पेस्ट वो मत करना, हमेशा नया टोपोलॉजी नहीं बनाना सर पड़ेगा, सर ये प्रैक्टिकल का सिर्फ नहीं क्या मतलब मेरे तरफ से सिर्फ एक दिन लेट होगा सर, ये आज है कल तो लैपटॉप की वजह से वो मतलब रैम वगैरह नहीं डालने के लिए डाला है वो कोई दिक्कत बाद नहीं, जब भी में। आएगा तब करो, बट करो। हाँ सर राउटर 4 है तो इसलिए मैं लुक बैक ले लेता हूँ यहाँ पे 4, लुक बैक को नो शट डाउन देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट रूप से वो अप ही रहता है, ठीक है। अभी एक काम करो, आपके पास पेज पेन वगैरह है कुछ, अभी है कुछ पेज वगैरह पेन वगैरह, हाँ सर एक मिनट ठीक है, सर वो तो लिखने के सर हाँ लिखना है, हाँ सर बस ठीक है।
ये जो टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी को आपको R1 के ऊपर, R2 के ऊपर, R3 के ऊपर एंड R4 के ऊपर कौन कौन से राउट्स मिसिंग है और वो राउट्स को हमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डालना है, राइट? अभी तो हमारे पास चार राउटर हो गए, राइट? तो चार राउटर मतलब हर राउटर के ऊपर मिनिमम तीन तीन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है हर राउटर पर, राइट? इंक्लूड लूपबैक, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं लूपबैक लिख लेता हूँ 4444/32, ठीक है? तो अभी मुझे राउटर 1, 2, 3 एंड 4 के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क होने चाहिए वो मुझे बताओ। अभी हर राउटर पे तीन तीन नेटवर्क है तो 4 से 12 नेटवर्क है। मतलब अभी तो पहले तो कितने थे, 5 नेटवर्क थे अपने। हाँ, अभी 1, 2, 3 नेटवर्क अभी बढ़ गए हैं सर। मतलब हर नेटवर्क पे 8-8 नेटवर्क होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट, सॉरी करेक्ट, बराबर है। ऐसा तो अभी यहाँ जो राउटर वन के ऊपर वाला है। हाँ, राउटर वन के ऊपर सर, और 14.2 का और 4.0 का और 34.0 नहीं है सर। क्यों सर? वो भी तो नेटवर्क है ना। हाँ सर, मतलब उस पे राउटिंग ऐड करना है सर अपने को। एग्जैक्टली, ठीक है। अभी मैं राउटर वन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? आप करोगे कॉन्फ़िगर या मैं करूँ? सर मेरे पास लैपटॉप होता तो अभी कर देता सर मैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब, मेरा मतलब आप मेरे लैपटॉप का कंट्रोल ले सकते हो सर। मतलब मैं मोबाइल पे टाइप नहीं कर पाऊंगा ना। अच्छा, मोबाइल से कनेक्ट करके। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट दिख रहा मतलब, है ना मेरा पिक्चर क्लियर दिख रहा है ना? हां दिख रहा है सर, मुझको समझ में आ रहा है आपका। फिर से क्या करना है? एनीवेज मैं करता हूँ शो आईपी राउट। तो यहाँ पे जब मैं चेक करता हूँ तब यहाँ पे मुझे अभी मिसिंग राउट कौन कौन से दिख रहे हैं मैं बताता हूँ। 192.168.34.0 ये राउट मिसिंग है। 4.0.0.0 ये भी मिसिंग है। ये भी मिसिंग है। 14.0 भी मिसिंग है। वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना सर। मतलब जो बाजू का नेटवर्क है वो अभी तक डाला नहीं सर राउटिंग टेबल में। नो, राउटर वन की बात कर रहा हूँ मैं। राउटर वन के ऊपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो हम लोग स्टैटिक राउटिंग में एडवर्टाइज नहीं करते, करेक्ट? एज पर द कंसेप्ट यही है। हाँ ठीक है, तो हमें 14 का नेटवर्क कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राउटर वन पे। तो राउटर वन के ऊपर अभी हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क ऑलरेडी कॉन्फिगर है उसके बारे में बात करते हैं। राउटर वन के ऊपर 192.168.23.0 ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, ठीक है? 2.0.0.0 कॉन्फ़िगर है, 3.0.0.0 कॉन्फ़िगर है। अभी कॉन्फ़िगर कौन कौन से नहीं है, वो है 192.168.34.0 एंड 4.0.0.0, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ आईपी राउट 192.168.34.0 255.255.255.0 192.168.14.4। समझ में आया? बराबर है मेरा गेटवे? हाँ सर। ओके, आईपी राउट 4.0.0.0 सॉरी 255. करेक्ट, 255.0.0.0 और गेटवे 192.168.14.4। ओके, तो यहाँ पे मैं चेक करता शो आईपी राउट स्टैटिक। स्टैटिक ऐसा क्यों हुआ? सर 4 नहीं हुआ ना, नए वाले तो दिखाई नहीं देते ना, वही चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारे से कुछ मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से ट्रबलशूट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे 14.1 दिया है मैंने लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है। जब भी हम लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाते तभी भी उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल रन होता है, ठीक है? जरूरत नहीं कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या जब भी OSPF यही प्रोटोकॉल है, इसके अलावा भी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है जो डिफॉल्ट रूप से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से पिंग नहीं होगा, नहीं हो रहा है, समझ लो R4 के साथ पिंग नहीं हो रहा है। तो मैं R4 के ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ IP एड्रेस बराबर कॉन्फिगर किया है कि नहीं। देखो क्या गलती किया बताओ। क्या गलती हो सकता है, क्यों डाउन डाउन है? एक मिनट सर,
अभी आपको ये देख के पता चलना चाहिए। ऐसा क्यों आता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कब आता है? नो शटडाउन नहीं दिया तो एग्जैक्टली हम लोगों ने इंटरफेस एसवन स्लैश जीरो को नो शटडाउन नहीं दिया, इसलिए नहीं आ रहा था। करेक्ट बात है, ठीक है। तो अभी ये एसवन स्लैश जीरो को नो शटडाउन किया, फिर से आर वन के ऊपर जाती है और अभी चेक करते शो आई पी राउट स्टैटिक। अरे अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है अब भी जस्ट अप हुआ, ठीक है आ गया। टोटल डायरेक्टली कनेक्टेड कितने नेटवर्क से? पाँच। हाँ, स्टैटिकली पांच नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड तीन नेटवर्क है, जो कि मुझे यहाँ पे पांच नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ठीक है। अभी आर फोर के ऊपर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। आर फोर के ऊपर जितने भी मेरे पास नेटवर्क है मैं सभी के लिए कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें करना चाहिए तो ये भी मेरे लिए सही ऑप्शन है, जिसका मैं यूज़ करता हूँ नोट पैन में। आई पी राउट कौन सा है? 192.168.12.1 सॉरी 12.0 255.255.255.0 192.168.14.1 ठीक है। और कौन से नेटवर्क है बताओ? ये हो गया एक और 23.2 भी है सर, ठीक है। 23.0 इसका गेटवे क्या आएगा? 23.0 का गेटवे सर 192.168.12.1 14.1 कैसे आएगा? मैं 23 के नेटवर्क में जा रहा हूँ ना, मतलब यहाँ से मेरे को शॉर्टकट करता है ना, मतलब 192.168.34.3 आएगा, शॉर्टकट ले रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है। और एक चीज केयरफुली हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले, ठीक है। मैं और बता देता हूँ, वो अभी वन का नेटवर्क, ठीक है। आई पी राउट 23.0 हाँ ये हो गया, ये हो गया। अभी सर वो लूपबैक भी होगा ना? हाँ 1, 2, और 3 भी करेक्ट। अभी राइट लूपबैक 2.0.0.0 के लिए बताओ कौन सा सर? 2.0.0.0.0 इसके लिए 192.168.34.3 मतलब, ठीक है मैं ये लेता हूँ, ठीक है 34.3 मतलब दोनों भी चलेगी अगर सर यहाँ पे। एग्जैक्टली मैं दूसरा भी यूज करता, चलो ठीक है हम लोग वही तो देखने वाले कि क्या होता है करके, ठीक है। कौन सा बचा अभी सर? 3 बचा सर, करेक्ट। क्या आएगा बताओ? यही आएगा राइट, ठीक है। कितने नेटवर्क हुए? 6 क्यों हुए? बिकॉज इसके लिए डबल आ गया। इसको सिंपल कॉपी करो, आर फोर के ऊपर पेस्ट करो, शो आईपी राउट स्टैटिक। चलो आ गया। हाँ सर, ठीक है। राउटर 3 के ऊपर भी करना पड़ेगा? हाँ सर, ठीक है। राउटर 3 के ऊपर भी करते हैं, 2 के ऊपर भी करते हैं। तो मैं 2 के ऊपर सबसे पहले फास्ट तरीके से कर लेता हूँ। आई पी राउट 192.168.14. कंसेप्ट बहुत छोटा है जो मैं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता क्या यहाँ पे पूरे के पूरे? पेस्ट मैंने वही तो किया, ये आर फोर पे पेस्ट किया ना पूरा, ये क्या है? हाँ मैं आर फोर पे किया, अभी मैं R2 पे कर रहा हूँ। हाँ R2 पे तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है ना, तो इसलिए मैं 1x1 ही सही प्रेफर कर रहा हूँ, वही प्रेफर करूँगा अच्छा रहेगा। हाँ 14.0 255.255.255.0 192.168.12.1 यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सबनेट मास्क गलत, 0 गलत हो गया था ना इसलिए। IP route 192.168.34.0 255.255.255.0 192.168.23.3 ठीक है।
नेक्स्ट आईपी राउट 4.0.0.0 255.0.0.0.192.168.233.3 and 12.1. So IP route static. ठीक है, राउटर थ्री के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लूँ, लास्ट वाला राउटर है। हाँ लास्ट वाला राउटर, ठीक है कॉन्फ़िगर करता हूँ। आईपी राउट कौन सा वाला नेटवर्क करूँ सबसे पहले बताओ? 4.0.0.0 ओके, नेक्स्ट 192.168.34.4 IP route 192.168.14.0 255.255.255.0 and the gateway is same. Okay? ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक तो मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर ली, कोई डाउट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, राइट? नहीं सर, नहीं। सबसे पहले मैं राउटर वन के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं शो IP route ये कमांड चलाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि जो मेरा थ्री का नेटवर्क है, थ्री का नेटवर्क में जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, लेकिन मेरे राउटिंग टेबल में एक ही रास्ता दिख रहा है, ऐसा क्यों? मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन किया इसलिए? मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग सभी के लिए किया है, ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज हम लोगों ने इसको मैन्युअली बताया कि आपको ऊपर से ही जाना है, नीचे वाला राउट डाला ही नहीं मैंने। जब मैं शो रन पाइप सेक्शन स्टैटिक ये कमांड का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है, अच्छा ये ऐसा कमांड से नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो मेरे पास थ्री का नेटवर्क है उसके लिए एक ही नेटवर्क डाला है, मतलब एक ही रूट डाला है मैंने, बट थ्री का नेटवर्क के लिए नीचे से भी जा सकते हैं ना, मैं नीचे वाला भी डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ मतलब दोनों तरफ के रास्ते सभी डालने पड़ेंगे क्या अभी? ऐसा जरूरत नहीं है, मुझे कंसेप्ट सिखाना है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। डन, अभी शो आईपी राउट चेक कर रहा हूँ, देखो दोनों राउट दिख रहे हैं अभी। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले एक ही के लिए परफॉर्म करते हैं, बाद में बाकी का सोचेंगे। सो जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल ना एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू वन है, करेक्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो अभी हम लोग उसके साथ प्ले करने वाले हैं। अभी मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझना है कि क्या करना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले ये जो मेरे पास राउटर दिख रहा है 12.2 मतलब ऊपर वाला थ्री के नेटवर्क के लिए, मैं इसके साथ मैनिपुलेशन करने वाला हूँ। इसको जैसे कि वैसा कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। तो यहाँ पे ना हमें ऑप्शन आता है मैट्रिक डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउटर, तो मैं इसका डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 1 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 कर दिया, शो आईपी राउट चेक करता हूँ, तब मुझे पता नीचे से जा रहा है ट्रैफिक। ये क्यों हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक। फ्लोटिंग स्टैटिक मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एडी वैल्यू वी कैन मैनिपुलेट द ट्रैफिक इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग स्टैटिक। इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी जब ये राउटिंग टेबल पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं शो रन करके आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो स्टैटिक राउटिंग का है, तो ये जब राउट पड़ेगा ये वाला, तो ये क्या बताएगा, तुझे अगर थ्री के नेटवर्क के पास जाना है तो तेरे पास अगर 192.168.12.2 ये पाथ से जाता है तो उसको 10 होप कॉन क्रॉस करना पड़ेगा, मैट्रिक 10 लेके जाना पड़ेगा, मतलब उसका एडी वैल्यू बढ़ा दिया उसने, गॉट इट? लेकिन राउटर क्या बोलता है, राउटर बोलता है मेरा काम है शॉर्टेज पाथ से जाऊँगा। हाँ, तो राउटर चला गया ऑटोमेटिकली इन जिससे से, इन केस S1/0 डाउन हो गया जो कि टुवर्ड्स R4 है, डाउन, ठीक है, शट डाउन हो गया, तो अभी ट्रैफिक तो ऊपर से ही जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे का तो रास्ता ब्लॉक ही हो गया। तो देखते शो आईपी राउट, आ गया, मतलब ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस S1/0 को नो शट डाउन करता हूँ, शो आईपी राउट, फिर से चेंज हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया?
जिस तरीके से इसको हम लोग फ्लोटिंग स्टैटिक बोलते हैं, हालांकि कंसेप्ट बहुत छोटा है। अभी यहाँ पे देखो, जस्ट कंसीडर मैं दोनों साइड का राउट सेम कर देता हूँ, एडी टेन टेन कर देता हूँ, ठीक है, दोनों साइड में। तो लोड बैलेंस होना चाहिए, लोड बैलेंस मतलब दोनों साइड से जाना चाहिए, बिकॉज दोनों साइड से टेन होप कॉन्स बोल रहा है वो मैट्रिक, एडी टेन बोल रहा है, राइट, होप कॉन्स नहीं एडी बोल रहा हूँ मैं, शो आईपी राउट डिस्टेंस वेक्टर कुछ तो है सर, ठीक है, हाँ सर, समझ में आया ये कैसा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। इसको क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको पूछता है डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउट, मतलब ये बताएगा कि सामने में डिस्टेंस इतना है। अगर मुझे लगता है कि इसके साथ प्ले करना है, मैं अगर यहाँ पे 100 कर दूंगा तो वो सबसे लास्ट वाला प्रिफरेबल राउटिंग रहेगा। जितना कम मतलब उतना प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा मैं आपको, करेक्ट। हाँ मतलब मुझको डिसाइड करने का ये हो गया कि मुझको मेरे तरफ से मतलब मैं जो चाहता हूँ जिस राउट से जाने का है डाटा, करेक्ट, और जाना चाहिए, हाँ, उसी रास्ते से मैं भेज सकता हूँ मैन्युअली, राइट, मैन्युअली। एडी ये हमेशा लोकल राउटर पे वर्क करता है, नॉट की नेबर राउटर, मतलब R1 को ही पता है राउट कैसे भेजना है। जैसे कि जस्ट कंसिडर कि तुम्हें एक लोकेशन पे जाना है और तुम्हारा एक भाई है उसको दूसरे लोकेशन पे जाना है, बट तुम्हें तुम्हारे लोकेशन पे जाना है तुम्हें ही पता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो राउटर वन है, राउटर वन को राउटिंग टेबल मैनेज करने का काम राउटर वन के पास ही है, वही मैनेज करेगा। ये जो एडी है ना वो लोकली वर्क करता है, नॉट फॉर द नेबर राउटर्स, मतलब इसका कोई भी इम्पैक्ट राउटर 2, 3, 4 के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये। अभी इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज काफी का बार रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा इनकेस मैनिपुलेशन करना है तो, ठीक है। अदरवाइज ये तो हो गया हमारा स्टैटिक फ्लोटिंग। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि मेरे पास रिप प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, और स्टैटिक प्रोटोकॉल भी है। रिप प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू कितना है? 100 120, ठीक है, भूल गए तो कोई नहीं। स्टैटिक प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू कितना है? 1। स्टैटिक का 1। एडी वैल्यू क्या बोलता है? एडी वैल्यू बोलता है जिसका एडी वैल्यू कम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम, वो वाला पाथ ट्रस्टेबल पाथ रहेगा। ट्रस्टेबल पाथ, हां। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर करोगे? स्टैटिक, मतलब स्टैटिक के ऊपर, क्योंकि एडी वैल्यू कम है। अभी मैं क्या करता हूं, स्टैटिक को फ्लोटिंग स्टैटिक करता हूं, फ्लोटिंग स्टैटिक मतलब उसका मैनिपुलेशन कर देता हूं, ठीक है, हां। और मैंने कर दिया अभी 121, अभी कौन ट्रस्टेबल? आरआईपी हो गया सर, आरआईपी, एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग जो फ्लोटिंग स्टैटिक कर रहे ना वो इसीलिए कर रहे ताकि हम लोग ट्रस्टेबल पाथ को चेंज कर दें, समझ रहे हो। अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा प्रोटोकॉल है उसके बीच में भी अगर मैनिपुलेशन करना है तो इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया स्टैटिक वर्सेज स्टैटिक का, लेकिन स्टैटिक वर्सेज रीप, स्टैटिक वर्सेज EIGL की वॉइस पे कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो, पॉसिबल है। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ पर? हाँ सर, नहीं सर। So, yes, tell me. कुछ पूछना है? तो static floating. सर ये मतलब इसकी theory वगैरह है क्या सर, कोई मतलब पढ़ने के लिए? Yes, है. Static routing protocol क्यों use करते हैं? छोटा सा theory है, मैं बताता हूँ. Static routing protocol is basically used for, मैं दे दूंगा वो PDF से मेरे पास, मैं share कर लूँगा आपके साथ. कुछ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैन्युअली कॉन्फ़िगर होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क पता होना चाहिए, सिक्योर एंड फास्ट है, और उसका एडी वैल्यू 1 है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सभी की सभी चीज़ें मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ता है, जैसे कि अभी मेरे पास टोपोलॉजी, हर चीज़ मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ा। मोर देन 15-20 कमांड्स डाला मैंने सभी राउटर्स को मिला के, करेक्ट। ये तो मेरे पास 4 राउटर है, अगर जस्ट कंसीडर करो मेरे पास 50 राउटर है तो मैन्युअली नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट रिस्क लेवल ज़्यादा। पता चल गया कि कोई नेटवर्क मैंने मिस कर दिया और ट्रबल शूटिंग, तो इसमें तो और टफ हो जाएगा फिर, राइट।
तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इफ नेटवर्क चेंजेस द होल नेटवर्क टोपोलॉजी विल चेंज. मतलब जस्ट कंसिडर, अभी मैंने यहाँ पे जो लुप बैक लिया, तो कौन सा लिया था, 3-3. अरे मैं बोलता अरे यार 3-3 मतलब यार 30-30 लो, तो क्या होगा बताओ. अभी सभी जाके सभी जगह पे जाके मुझे 30-30 करना पड़ेगा. हाँ सर, ऐसा भी नहीं कि एक राउटर पे करने से हो जाएगा, सभी राउटर पे करना पड़ेगा. हाँ राइट. और पुराना वाला कमांड निकाल के नया डालो तो और एक हेडेक वाला काम. चलो ठीक है, 4 राउटर में कर लूंगा, लेकिन 30 राउटर है, 15 राउटर है, 20 राउटर है, तो फिर मैं बोलूंगा यार नहीं हो जाएगा. ठीक है, टेंशन वाला काम है. तो डिसएडवांटेजेस है. स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फिगर करने के लिए फार्मूला जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक राउटिंग. समझ में आया? ओके. डिफॉल्ट राउटिंग जो कि हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे. डिफॉल्ट राउटिंग जो CCNA के अंदर है वही है, लेकिन स्टिल मैं एक बार कंसेप्ट बता दूंगा. ठीक है. सो स्टैटिक राउटिंग एंड स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग आज आप करके देखो. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ लगता है, वो आज तो नहीं होगा आपका, ठीक है, कल ही हो पाएगा जब आपका लैपटॉप आएगा. जब भी आएगा तब आप करके देखो. कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर हेल्प करूँगा. सेकंड थिंग, कॉन्फिग्रेशन कभी भी करो तो मुझे उसको भेजो. मुझे भेजोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपका कौन कौन सा चीज़ क्लियर हो रहा है. अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, ट्रबल शूटिंग नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं पे पॉज करके रख दो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्या डाउट्स है लिख के रखो, ताकि हम लोग नेक्स्ट वाले जब भी सेशन में आएंगे, या तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल के रख दो, जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है. चलो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते, कल हम लोग मिलते सेम टाइम. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय.